आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें टॉपिक है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पोइसन रेशो एज एक्सप्रेस्ड एज, इसका आंसर है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। पोइसन रेशो इक्वल टू जो होता है वो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, हुक्स लॉ कहाँ के लिए अच्छा होता है? इसका आंसर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका आंसर हो जाएगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ में। इन दिस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्ट्रेट लाइन ओ टू ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ओ से ए तक के लिए जो होता है स्ट्रेट लाइन है वो प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। जैसे ये डायग्राम है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इसमें ये स्ट्रेस है और यहाँ पर ये स्ट्रेन है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर हमने दिखाया गया है ये स्ट्रेस दिखाया गया है सिग्मा यू और सिग्मा वाई, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस। और यहाँ पर हमने बताया गया स्ट्रेन, तो यहाँ पर इलास्टिक रीजन होगा और यहाँ पर प्लास्टिक रीजन होगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब बनता है तो यहाँ से ओ से ए के बीच में, ओ से ए के बीच में जो जाता है पॉइंट, ओ से ए के बीच में वो होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ए से बी और बी से सी, फिर सी से डी होता है, इसके बाद डी से ई, ई से एफ होता है यहाँ पर पॉइंट। तो जो सी से जाता है वो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन, जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। और जो सी से डी के बीच में यील्डिंग पॉइंट होता है, और डी पॉइंट से ई पॉइंट के वो होता है री-ओरिएंटेशन स्ट्रेन होता है। ई से ईफ के बीच में नेकिंग रीजन होता है, और जो यहाँ ई से एफ के बीच में होता है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। और एफ जो होता है वो होता है रप्चर या फिर फ्रैक्चर पॉइंट होता है। यहाँ पर इलास्टिक रीजन और यहाँ पर प्लास्टिक रीजन बताया गया है। ये होता है हुक्सला में। स्ट्रेस समानुपाती होता है स्ट्रेन के, मतलब ई, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू एफ साइन, तो मतलब जो कांस्टेंट हो जाएगा। सो हुक्सला होल्ड्स गुड अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ई इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नॉन इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नोट, ई एलास्टिसिटी एलास्टिक कांस्टेंट है जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी की है। तो ई इज द एलास्टिक कांस्टेंट अ मटेरियल प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी ई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी एंड बल्क मॉडुलस के इज गिवन। मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशंस बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 9 kg/3 kg+g होता है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द टर्म्स ऑफ पोइसन रेशो वी, द रेशो ऑफ यंग्स मॉडुलस ई टू शेयर मॉडुलस जी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल के लिए हमको इसमें रिलेशन बताना पोइसन रेशो वी और यंग्स मॉडुलस ई के फॉर्म में शेयर मॉडुलस जी, और ई ये होता है 2 × 1 + v, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज द स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। इसका आंसर हो जाएगा ट्विस्ट। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड, जब बॉडी में कोई इंड्यूस्ड स्ट्रेस अप्लाई करें, जब उसमें सडनली लोड अप्लाई किया जाता है तो इसमें जो डबल स्ट्रेस इसमें अप्लाई हो जाती है, इंड्यूस्ड हो जाती है। तो इज डबल द स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। इसका आंसर हो जाएगा ट्विस्ट हो जाएगा। तो इसमें डिस्क्रिप्शन है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, जो कि हम यहाँ बताते हैं डायग्राम के द्वारा। ये पी लोड है, यहाँ पर डेल एल चेंजेस होगा। जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे वहाँ पर कुछ चेंजेस होगा लेंथ में, तो पी और यहाँ पर डेल एल बताया गया। तो इस टाइप से इसमें ट्रायंगुलर बताया गया है इसमें। तो ग्रेजुअली लोड जो होता है स्ट्रेस होता है वो होता है W/A, मतलब लोड अपॉन एरिया ग्रेजुअली लोड के लिए। अगर हम सडनली लोड अप्लाई करते हैं तो इसमें हमारे पास जो पी फोर्स होता है डेल एल जो यहाँ पर चेंजेस होता है लेंथ, तो इसमें क्या होता है सडनली जो स्ट्रेस होता है वो लोड डबल लोड हो जाता है, मतलब 2W/A के फॉर्म में हो जाता है, इसलिए इसको ट्विस्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो सडनली लोड हो जाएगा 2W/A। तो सिग्मा सडनली हो जाएगा 2 × ग्रेजुअली लोड के, मतलब 2 × ग्रेजुअली स्ट्रेस, मतलब सिग्मा ग्रेजुअल। और जब इम्पैक्ट लोड के लिए आता है तो इम्पैक्ट लोड के लिए होता है सिग्मा इम्पैक्ट इक्वल टू W/A 1 + √1 + 2h/del। ये होता है किसके लिए? इम्पैक्ट लोड के लिए। स्ट्रेस जो इम्पैक्ट स्ट्रेस निकालना हो तो W/A 1 + √1 + 2h/del। अगर हमको ग्रेजुअली अप्लाइड लोड निकालना तो सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए। सडनली लोड के लिए अगर करना है तो सिग्मा सडनली इक्वल टू टू डब्ल्यू अपॉन ए। अगर हमको स्ट्रेस के फॉर्म में लिखना हो तो सिग्मा सडनली इक्वल टू टू इंटू सिग्मा ग्रेजुअल। और इम्पैक्ट लोड के लिए सिग्मा इम्पैक्ट इक्वल डब्ल्यू अपॉन ए 1 + √1 + 2h अपॉन डेल। डब्ल्यू लोड है, ए एरिया है, h इसमें हाइट आ जाएगी और डेल हो जाएगा इसमें डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है अ सॉलिड मेटल बार ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर d एंड लेंथ l इज हंग वर्टिकली इफ रो इज डेंसिटी एंड e इज द यंग्स मॉडुलस देन द टोटल एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज। कोई सॉलिड मेटल बार है उसमें यूनिफॉर्म डायमीटर जो d है, लेंथ l हो, अगर वर्टिकल पोजीशन में है और रो इसमें डेंसिटी हो और ये इसमें यंग्स मॉडुलस हो, तो इसमें टोटल एलोंगेशन जो स्वयं उसका वेट का होगा वो क्या होगा, इसका हो जाएगा रो एल स्क्वायर जी अपॉन 2e के बराबर। तो रो एल स्क्वायर जी अपॉन 2e इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में बताया गया है एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट के लिए डेल सेल्फ इक्वल टू हो जाएगा रो एल स्क्वायर जी अपॉन 2g, मतलब गामा इक्वल टू जो होता है वो रो इंटू जी के बराबर होता है, जो हम यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर रो इंटू जी के बराबर डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e भी हो सकता है इसका। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा रो एल स्क्वायर जी अपॉन 2e इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी g, बल्क मॉडुलस के एंड पॉइजन रेशो म्यू एच। रिलेशन बताना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, बल्क मॉडुलस के और पॉइजन रेशो म्यू के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये करेक्ट आंसर होगा ई इक्वल टू 2g म्यू प्लस 1। इसका रिलेशन ये करेक्ट होगा ई इक्वल 2g म्यू प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड बल्क मॉडुलस के एच। मॉडुलस इलास्टिसिटी ई और बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशन, तो ई इक्वल टू 3 के 1 - 2 इंटू पॉइजन रेशो होता है, 1 - 2 इंटू पॉइजन रेशो के। ये डिस्क्रिप्शन बताया गया द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड बल्क मॉडुलस के। ई इक्वल टू होता है 3 के 1 - 2 म्यू और ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू के बराबर। ई इक्वल टू 9 kg अपॉन 3k प्लस gb होता है और म्यू इक्वल टू होता है 3k - 2g अपॉन 6k प्लस 2g, जहाँ पर म्यू होता है पॉइजन्स रेशो। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशो फॉर स्टील वेरीज फ्रॉम। पॉइजन रेशो स्टील के लिए क्या होता है 0.25 टू 0.35। डिस्क्रिप्शन है पॉइजन रेशो म्यू द रेशो ऑफ द ट्रांसवर्स कंट्रैक्शन ऑफ अ मटेरियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स इज द पॉइजन्स रेशो ऑफ मटेरियल। पॉइजन रेशो क्या होता है, वो रेशो तो ट्रांसवर्स कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मटेरियल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन के बीच में जो होता है स्ट्रेचिंग फोर्स पर, वो पॉइजन रेशो होता है। द रेशो ऑफ अ ट्रांसवर्स कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मटेरियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स इज द पॉइजन रेशो ऑफ मटेरियल। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो फॉर स्टील के लिए पॉइजन रेशो होता है 0.25 टू 0.33। रबर के लिए होता है पॉइजन रेशो 0.50। कॉर्क के लिए पॉइजन रेशो होता है 0 और एल्यूमिनियम के लिए पॉइजन रेशो होता है 0.32। कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशो होता है 0.20। तो ये इसमें बताया गया है कुछ वैल्यू होती है पॉइजन रेशो की। स्टील के लिए 0.525 टू 0.33, रबर के लिए 0.50, कॉर्क के लिए 0 और एल्यूमिनियम के लिए पॉइजन रेशो होता है 0.32 और कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशो 0.20। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार अंडर इट्स ओन वेट इज कम्पेयर टू दैट व्हेन सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट एक्सियल लोड इक्वल टू इट्स ओन वेट विल बी। इसका आंसर हो जाएगा हाफ। डिस्क्रिप्शन है डेफ्लेक्शन ड्यू टू लोड पी इक्वल टू होता है डेल एल, डेल वन इक्वल टू होता है पी एल अपॉन ए ई के बराबर। डेफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ लोड के लिए हो जाएगा डेल टू इक्वल टू पी एल अपॉन टू ए ई होता है। तो हम डेल टू अपॉन डेल वन करते हैं तो यहाँ हो जाता है पी एल अपॉन टू ए ई अपॉन पी एल अपॉन ए ई। तो पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/2। तो डेल टू अपॉन डेल वन इक्वल टू 1/2 के बराबर होता है, मतलब हाफ होता है।